हेलो दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर केतन शाह वन डिजीज वन रेमेडी में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं वो डिजीज जो वर्म्स बच्चों के पेट में, खास करके मैं बच्चों की बात कर रहा हूं कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि बच्चों वर्म्स से सफ़र हो रहे हैं? तो एक इसका सिम्टम्स है कि दांत का ग्राइंडिंग होना, रात को दांत की आवाज़ आना। दूसरा एक सिम्टम्स है टट्टी की जगह रात को खुजली आना। क्यों खुजली आती है? कि रात को जो ये वम्स होते हैं वो टट्टी की जगह आते हैं बाहर, उसकी वजह से वहाँ खुजली आती है। दूसरा कि उसका नाक वो रब करते हैं। और एक उनका सिम्टम्स है पेट में दर्द होना, कई बार भूख ज़्यादा लगना। भूख ज़्यादा लगता है, बच्चा बहुत खाता है फिर भी उसका बॉडी नहीं होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं वम्स के। और ऐसे केस में बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाई है, लेकिन जो वम्स होते हैं उसकी और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मैं सजेस्ट करता हूँ मेडिसिन सीना 30। सीना ये दवाई का नाम है, 30 पोटेंसी है। तो सीना के और क्या लक्षण होते हैं? अगर बच्चा बहुत इरिटेट होता है, मतलब उसको कहीं पर भी आराम नहीं मिलता, वो इतना गुस्से में रहता है, इतना तंग रहता है, अगर कोई उसको बुलाए तो भी वो गुस्सा करता है, एक सीना का सिम्टम्स है। और बच्चा कितना भी खाए लेकिन उसका बॉडी नहीं बनता है, और सीना जब दांत आते हैं उस वक्त के प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। तो जब भी वम्स के सिम्टम्स दिखाए थे, दांत की आवाज़ आना, रात को यूरिन पथारी में यूरिन हो जाना, या नाक में खुजली, भूख ज़्यादा लगना, स्वीट की डिजायर ज़्यादा होना, बच्चा इरिटेट हो, ऐसे केसेस में मैं फिर से बोल रहा हूँ सीना आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट पाए हैं। थैंक यू वेरी मच।